amines are more basic as compared to triglyceride in aqueous solution. What is the reason behind it? हम ये जानते हैं और मैंने अपने previous videos में आपके साथ share किया है कि for the basic city there are three factors on which the basic city of the amines depends. That is, first one is hydrogen bonding, and the second factor is steric hindrance, and the third one is positive inductive effect. These are the three factors on which the basic city of amines depend. And the question was asked by the CBSE in 2018 that why? वैसे तो कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा तब भी हमारा जो सेकेंडरी अमाइन इट इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड टर्शरी. बट हियर वी आर हैविंग द मिथाइल. यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी अमाइन. एंड दिस इज द डाइमिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू ये टर्शरी अमाइन है देन द ट्राइमिथाइल अमाइन. So what is the reason? And here the question is in aqueous solution. हमने aqueous solution की बात की है. Means यहाँ पे जो inductive effect की बात ज़्यादा नहीं हो रही है because जो हमारा methyl group है it is the very small group and it will create inductive effect. But we are basically asking in aqueous solution. So we are not asking about the steric hindrance also. Three factors जिनके ऊपर basic city depend करती है वो तीनों यहीं पे है. But the main is that aqueous means basically we are talking about the hydrogen bonding. तो हमने ये देखना है कि why? As we know that amines are always basic because they are having a lone pair on the nitrogen. नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है. अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात की है मींस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म. तो अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें और हमारे पास जो है एल्काइल ग्रुप वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है. तो मिथाइल ग्रुप है एंड लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट एंड वी आर हैविंग वन हाइड्रोजन है. अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं दिस नाइट्रोजन इज इजीली अट्रैक्ट दिस प्रोटॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ और क्या बन जाएगा? देन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा एक एच यहाँ पे और एक एच. अब एक्वस सॉल्यूशन की बात की है तो वाटर में क्या हो जाएगा? इट विल और हम इसको डॉटिंग से शो करते हैं बिकॉज अभी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज विद दी वाटर. तो यहाँ पे हम वाटर को अब इस तरह से हाइड्रोजन एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं एंड दिस इज लेस स्टेबल. ये कैसा हो जाएगा? लेस स्टेबल है. तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो बहुत कम होगा बिकॉज मिथाइल ग्रुप जो है बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है. इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो तो हम यहाँ पर भी बात कर लेंगे. ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है. हम टर्शियरी अमाइन की बात कर लेंगे. टर्शरी जो है दैट वी आर हैविंग नाइट्रोजन है एंड देन वी आर हैविंग थ्री मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट. ये टर्शरी के साथ लोन पेयर यहाँ पे है. यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एज आई सेड की मिथाइल ग्रुप का इतना ज्यादा नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर वर्क करता है तीन तीन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जो प्रोटोन है वो इजिली अप्रोच कर जाएगा. This proton can be easily approaches towards the nucleophilic nitrogen and then what we will have? अब हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा जो new structure है वो कैसा हो जाएगा? Nitrogen, nitrogen के पास तीन methyl group लगे हुए हैं and only one hydrogen is present here. तो यहाँ पे एक ही bond बनता है oxygen of water के साथ. तो जो बेसिक सिटी है वो कम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड
बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये लीस्ट स्टेबल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक बन रही है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो बन रही है, एक्वस सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज मोर बेसिक, ये दो को दे रहा है तो दिस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू ट्राइमिथाइल एमाइन। तो नॉर्मली अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते तो वी आर थिंकिंग अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर, वैसे तीनों फैक्टर यहाँ पे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस मिथाइल ग्रुप का इतना ज्यादा होता नहीं, वो इतना ज्यादा स्टेरिक नहीं करता, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट कर जाता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो हमारा टर्शियरी एमाइन जो है ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन दैट इज व्हाई इट इज हैविंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर हम टर्शियरी की सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एंड द एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू बॉन्ड इट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू द टर्शियरी एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन।